ये देखिए आप, ये पूरी 19 डिग्री में होनी चाहिए। सो इसके फेस में ये आपकी कंप्लीट सेटिंग हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आप नया पिस्टन डालें तो नया पिस्टन डालने के समय आपको ये फ्री हैंड होना चाहिए, मतलब ये हाथ से इजीली घूमना चाहिए। कहीं पर किसी भी तरीके का जाम नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ना फिर यहाँ नहीं होना चाहिए, ना फिर यहाँ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये पूरी प्रोसेस एकदम फिट बैठेगी तो ये कभी जाम नहीं होगा। और ये आप अपने हाथ से घुमा के देखिए, मशीन में चालू करके नहीं देखना है आपको, हाथ से ये फ्री घूमना चाहिए। सो कभी भी आपका जो जाम का जो प्रॉब्लम होगा वो आएगा नहीं। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी हमारी एक मशीन है जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है आना चालू हो गया है, क्योंकि इसे चलाते चलाते मुझे काफ़ी टाइम भी हो गया और उसके बाद से अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम हो गया है पहले के मुकाबले, 50% इसका प्रोडक्शन जो है पूरा रुक चुका है। और देखा जाए तो इसका सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मतलब इसका कटोरा हो गया, कटर जो है वो, पिस्टन का हमारा, और कुछ कुछ चीज़ें जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। सो जैसा कि ये फीडर है तो फीडर में भी थोड़ा सा जो इसका कंट्रोलर है जिसका स्पीड हम अप एंड डाउन करते हैं कम या ज़्यादा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। सो उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हम चेंज करेंगे आज के इस वीडियो में। अब ये आप मान के चल सकते हैं कि इसकी पूरी सर्विसिंग जो है हम करेंगे, और उसके साथ साथ इसके जो सारे पार्ट्स हैं वो मैंने अभी रख लिए हैं। जैसे कि ये कटोरा दिख रहा होगा, ये कटर है हमारे पास, ये पिस्टन का सेट है, और ये रॉकेट डाई जो कि इसकी जो लगी हुई थी वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, और जो स्पीड का ये कंट्रोलर है फीडर का हमारा, तो इसको भी हम चेंज करेंगे चलते चलते। और इसमें एक रोलर है, तो ये सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जिसे हमें इस मशीन में लगानी है, डालनी है। सो इसी के ज़रिए से अगर आपको कभी भी मेंटेनेंस करना हो आपकी मशीन का, स्पेयर पार्ट्स चेंज करना हो, या फिर फुल सर्विसिंग हम इसे कह सकते हैं, मान के चलिए इसका सर्विसिंग ही आज हम करेंगे। सो फ्यूचर आपको कभी आपके मशीन में करनी पड़ जाए, सो ये प्रोसेस आप पूरी देख लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से हमें स्पेयर पार्ट्स को खोलना है स्टेप बाय स्टेप और उसे किस तरीके से लगाना है। सो इस वीडियो में पूरा आप कंप्लीट बने रहिए। और मैंने सारे चीज़ों को तो इकट्ठा कर लिया है, और ये कुछ कुछ हमारे पास पने हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको खोलने के लिए। सो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए ताकि फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें।
सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने ये सारे पार्ट्स जो हमारे ख़राब थे वो हमने खोल लिए। अब खोलने का रीज़न मैं बताता हूँ कि मुझे कटर और कटोरे को क्यों खोलना पड़ा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो है कटोरे की जो हालात है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। जो ये हमारा ऊपर का प्लेट होता है वो पूरी तरीके से पतली हो चुकी है। मैं अंदर से दिखाऊँ आपको। सो देखिए, अब इसमें थोड़ा सा गहरा गड्ढा बन चुका है। सो क्या होता था, इसमें जो प्रीमिक्स की जो क्वांटिटी होती थी वो पूरी की पूरी बाईपास नहीं हो पाती थी। सो उनकी वजह से क्या है, प्रेशर का ज़्यादा ड्रॉप आउट होना चालू हो गया था। तो इसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ये हुई, और इसके अंदर की तरफ का जो सरफेस एरिया है वो भी थोड़ा सा घिस चुका था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लगा हुआ था और काफ़ी टाइम तक ये इसको मैंने चलाया है। यहाँ से देखिए, ये थोड़ी सी कट लग चुकी है। तो ये कटोरा जो है हमारा ख़राब ही हो चुका था। उसके बाद ये जो कटर है, कटर वैसे इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। सामने का हमारा जो मैग्नेट है वो तो सही था, जो स्टोन जो होता है वो सही था, लेकिन पीछे हमारा जो है ये आप देख सकते हो हल्की हल्की सी ये घिस चुकी है। सो उसके साथ साथ इसे भी मुझे चेंज करना पड़ा। सो ये दोनों चीज़ें तो ख़राब ही निकली। और उसके बाद जो है हमारा पिस्टन तो वैसे भी इसका टाइमिंग आ चुका था। सो ये भी मैंने चेंज करना है हमको। सो उसी तरीके से और कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे ये रोलर है, रोलर के ऊपर ये वाला रोलर है, तो ये सारी चीज़ें भी ख़राब है। सो हमने जो नया पार्ट्स लेके आए हैं तो उसे हमको लगाना है। जैसे कि ये हमारा कटोरा है, ये हमारा पिस्टन सेट है जिसको स्टेप बाय स्टेप हम डालेंगे। सो वो सारी चीज़ें आप देखते जाइए। और ये वीडियो मेरे को स्पीड में चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को सेटिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो खाली आप इसे देखिए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। पहले हमारा कटोरा और कटर जो है उसको हम फिक्स करेंगे, उसके बाद हमारा पिस्टन लगाएंगे और जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो ये सबसे पहले सारी चीज़ों को हम साइड में रख लेते हैं। थोड़ा सा सफाई करना बाकी है हमारा, बाकी सारी चीज़ें हमने निकाल ली है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने सारा सिस्टम जो है कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो है पिस्टन भी हमने अच्छे से लगा लिया, कटर भी हमारा 19 डिग्री एवरेज जो सेटिंग होनी चाहिए उसमें पूरी कंप्लीट है। और एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आप पिस्टन डालें सो ये फ्री हैंड होना चाहिए। जैसे कि ये मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ, ये आपको इजीली फ्री हाथ से घूमनी चाहिए। इसमें आपको मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं लगनी चाहिए, ना ही इसमें ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो ही क्या होगा कि आपका जो पिस्टन है वो सही से लगा हुआ है, सही सेटिंग में है और वो कभी भी जाम का प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब तक आप चलाएं तब तक वो चलेगा और जाम कभी भी नहीं होगा। तो इसे फ्री हैंड ये आपका घूमना चाहिए। और बाकी सारी चीज़ें के बारे में तो वैसे आप स्टिक रखिए, क्योंकि इसमें आपको आसानी से चेक करते बन जाएगा तार से, क्योंकि ये जो क्लीनिंग रॉड होती है इसमें पता नहीं लगता। सो स्टिक आप डालिए उसमें और पूरी तरीके से आपको अंदर तक लेके जाना है इसको और निकालना है। सो देखिए, यहाँ से हमारा ऑयल यहाँ तक का आपको दिख रहा होगा। तो ये अभी ऑयल का लेवल जो है हमारा सही है और इसे आप ध्यान में रखिए ज़रूर, क्योंकि दरअसल क्या होता है ना, अगर इसकी ऑयल सूख जाए या फिर ग्रीसिंग जो होती है तो ये दोनों 50-50 रेशियो में हमें डालना होता है। मैंने पिछले कई वीडियो में डाल के दिखाया भी है, तो वो उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ऑयल का लेवल होना चाहिए और ये कभी भी सूखना नहीं चाहिए। सूखेगी तो आपकी जो नीचे की जो गियर की सेटिंग्स है, बैरिंग की सेटिंग्स है, वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। अभी हमारा ऑयल का लेवल सही है, क्योंकि वीडियो का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जा रहा है और हमारा एक चीज़ बचा है जो कि रॉकेट डाई की सेटिंग करनी खाली बाकी है। उसके बाद जो है हम इसका ट्रायल लेंगे, लेकिन वो प्रोसेस मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि टाइमिंग भी काफ़ी हो चुकी है। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी सेटिंग्स आपको समझ में आई होगी। फ्यूचर में कभी आपको ये चीज़ों की प्रॉब्लम होगी तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कटोरा कैसे लगना चाहिए, कटर कैसे सेटिंग होना चाहिए, पिस्टन सेट की सेटिंग हमें कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आप इजीली कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए कभी ना कभी हेल्पफुल ज़रूर होगी। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।